कि न सिर्फ पहली बल्कि दूसरी लहर में भी हरियाणा सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किए हैं। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जमीनी स्तर पर जाकर अस्पतालों का जायजा लिया। चलिए आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान क्या क्या तैयारियां की। जनवरी में सरकार ने उठाए ये कदम, 18,921 टीकाकरण स्थलों का चयन, कोविशील्ड की 241,500 और कोवैक्सीन की 20,000 खुराकों की पहली खेप की आपूर्ति, मार्च में लिए गए अहम फैसले, 60 साल से अधिक सभी लोगों का और 45 साल से अधिक के बीमारियों से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण, अप्रैल में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, 45 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू, स्कूलों में कक्षा 1 से 8 का 30 अप्रैल तक अवकाश, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित, हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित, पानीपत और हिसार में 500-500 बेड की व्यवस्था करने के निर्देश, 18 प्लस आयु के लोगों को करीब 880 करोड़ की लागत से फ्री टीकाकरण का निर्णय, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन की गई, वैक्सीनेशन अभियान के लिए 50 लाख डोज ऑर्डर, अतिरिक्त ऑक्सीजन का कोटा लाने वाले टैंकर्स को भुवनेश्वर और राउरकेला किया गया एयरलिफ्ट, राज्य का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 257 मीट्रिक टन हुआ। सरकार ने मई महीने में उठाए महत्वपूर्ण कदम, कोविड 19 की रोकथाम के लिए वरिष्ठ आईएएस की सभी जिलों में तैनाती, बीपीएल परिवारों को कोरोना इलाज के लिए प्रतिदिन 5,000 की सब्सिडी देने का फैसला, होम आइसोलेशन बीपीएल मरीजों को भी प्रतिदिन 5,000 देने का फैसला, करनाल और सोनीपत में शुरू हुआ ऑक्सीजन का उत्पादन, हरियाणा में डोर टू डोर ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल oxygenhry.in को 9 मई से शुरू का निर्णय, प्रदेश के सभी मीडिया कर्मियों को टीका लगाने का फैसला, गाँव में टेस्ट ट्रैक और ट्रीट रणनीति के तहत डोर टू डोर जाकर स्क्रीनिंग करने के लिए 8,000 टीमों का गठन, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हरियाणा रोडवेज की 25 बसों को अस्पतालों में तब्दील किया, रोडवेज की 110 मिनी बसों को मिनी एम्बुलेंस में बदला, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत बीपीएल और 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवार के 18 से 50 वर्ष की आयु के पंजीकृत व्यक्तियों की मृत्यु पर 2 लाख मुआवजे की घोषणा, ब्लैक फंगस महामारी घोषित, गुरुग्राम में 400 बेड के अस्थाई कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन, पानीपत और हिसार में 500 बेड के कोविड केयर अस्पताल शुरू, प्रदेश के 1800 टीकाकरण केंद्रों पर 26 मई तक करीब 55 लाख लोगों का हुआ वैक्सीनेशन, कोरोना से प्रभावित हुए अनाथ बच्चों के लिए भी मनोहर सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने कोरोना काल में फिर से अनाथ हुए बच्चों को भी गोद लिया है। हरियाणा सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से आम जनता को राहत देने की पूरी कोशिश की गई है।